यू गाइस देखिए ये रहे स्प्राउट्स। बताओ तो कैसे बनाया। इसमें एक तो है मूंग, दिखाओ जरा इनको। मूंग, ये रही मूंग की दाल, साबुत मूंग, और ये साबुत मोट है। दो ग्रीन है, एक लाइट और ये चना है, चना ठीक है। और ये 24 आवर्स के लिए रखा है। हल्का हल्का सा छींटा यानी कि छिड़काव करते रहना होता है इन्हें। टू टाइम करें आपने वो करना है इसको, लेकिन ज्यादा पानी भर के भी नहीं रखना चाहिए। देखो इतना है ऐसे, है ना, पूंछ निकल गई। सर्दियों में थोड़ा इशू होता है इनमें फूटने में, थोड़ा वैसी चीज हो ना, नमी टाइप की मॉइस्चर। हाँ, और बाद में अभी इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग भी खाओ भाई, अगर ऐसा वैसे तो खा लेना चाहिए, चाहे आप एक्सरसाइज करो या ना करो, ठीक है। तो ये आप रखो अपनी डाइट में, अच्छा रहेगा। आज हमारा कैंसिल हो गया, रीज़न हमने कुछ और भी प्रोटीन खाया था, तो दो दो प्रोटीन नहीं सो सकते थे, तो इसलिए फिर भी इतना होना चाहिए। देखिए बहुत लंबे लंबे भी हो जाते हैं ये, कल तक लंबे हो जाएंगे। कल मैं सुबह और एकदम बेहतरीन लंच में सिरका वगैरह डाल के बढ़िया करके बनाते हैं। कल लंच में बनाएंगे स्प्राउट्स। कल तक पता है ये भी हो जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी हो जाएंगे काबुली चना। हाँ ठीक है, अभी जिम में तो जा रहे नहीं है। नहीं अभी दिखाना, भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, दिखाना हो जाएगा। अभी छोड़ रखी है कुछ महीनों से, काफी टाइम काम के चक्कर में थोड़ा सा वर्क लोड हो रहा है मेरे ऊपर, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ, लेकिन करेंगे दोबारा। चलो भाई साहब, मैं तो इन्हें दिखाने आया था, मैंने मुझे लगा कि कल बनाएंगे ना, फिर आपको देखो कितनी लंबी पूंछ है इसकी। इसको कंटिन्यू रख दूंगी इस व्लॉग में, देख रहे हो ना। इसकी ये मूंग दाल है, मूंग दाल, मोट दाल और काबुली चना, ये तीनों मिक्स करके रख लो आप, और 250-250 ग्राम ले सकते हो कहीं से भी। ये वन स्कूप, इतना बड़ा जो स्कूप आता है ना, मतलब जी वो कौन सा, कितने ग्राम का होता है वो? ऐसे पाँच चम्मच जो नॉर्मल छोटे वाले जो ग्राम की होती है ना, वो टेबल स्पून, मैंने तो वन स्कूप करा। और अपने अकॉर्डिंग भाई देखो इतना सही है एक डाइट में, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट में ले लो भाई, सब जीश आ जाएगा, एकदम सेहत बन जाएगी तुम्हारी। कल सेहत बन तो नहीं जाएगी, मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट कच्चे भी नहीं खाने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी खा लेते हैं, डाइजेस्ट करने में बड़े दिक्कत होती है। बहुत से लोग खा लेते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एक बार इनको एक मिनट के लिए बॉइल कर लो बस, ठीक है। बॉइल करके बंद, बहुत देर तक पकाओ भी मत, इन्हें बॉइल कर दो। जो इसमें अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होगा सब कुछ मर जाता है, ठीक है। और साथ में क्या होगा ना, हल्के से अंदर तक थोड़े पक से जाते हैं, सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम से डाइजेस्ट भी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाता है इजीली, ठीक है। बाकी भाई मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, अगर लोग कुछ ऐसे खाते हो, मैं एक बार फिर से बता दूंगी, कच्चे भी खा रखे हैं, सब कुछ खा रखा है। कल जो हम जिस तरह से बनाएंगे ना कल मॉर्निंग में, तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखूंगी, आप देखिएगा, तो आप लोग भी देखिएगा कि कैसे ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। ओके, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं तन्नू वालों में पुशअप दिखाया जाइए, पुशअप कर देख तो लो, पुशअप कैसे कर रहा। अरे सही वाला करो जो पहले कर रहे थे, हाँ ऐसे वाला, ये पुशअप है, थोड़ा नीचे जाओ, डाउन, वेरी गुड। कौन सी एक्सरसाइज होती है ये तो बता, तू कैसे करता है सुबह सुबह आके, कैसे सुबह सुबह कैसे जगाते हो, कैसे से करके कैसे उठाते हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे वाह, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कैसे करते, गांठिया नमकीन है, देखो गांठिया नमकीन, गुजरात की फेमस गांठिया नमकीन है। स्प्राउट्स बनाओ, स्प्राउट्स बनाओ, खाओ, चल स्प्राउट्स बनाऊंगी मैं अभी, चलो मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ। अब मैंने अपने जेब में रख लिया, अब ये मेलोडी, अब मैं तुम्हें भी नहीं, ये मेलोडी जेब में रखने से तुम्हारा हो जाएगा, तो मेरे नाम है इसका, समझाओ इसे, मैं जा रही हूँ, बिल तो मेरे नाम है, चलो बना। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रही थी ना कि बनाना है, तो ये देखो अच्छे से बड़े बड़े तक हो गए, इसके भी निकलने लग गए। चलो मैं इसको एक बार वॉश कर लेती हूँ। अच्छा इस देख रहे हो, भाई साहब लेकर आया है, ब्रश कर लिया तुमने? हाँ। दिखाओ टीथ, ये ये
ये देखो वॉश हो रहे हैं अभी, हल्के से एक बार इनको वॉश कर लेना। वॉश करती हूँ। बाबू क्या बोलते हैं बताओ? अनियन। क्या बोलते हैं? अनियन। हाँ वेरी गुड। और वो जो धो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? मिराज नहीं, स्प्राउट्स। अच्छा तुम्हें बताया तो था मैंने। चलो भाई साहब अभी देखते हैं कैसे छुपाई होगी इनकी स्प्राउट्स की। स्ट्रॉबेरी बाबू ये गिर जाएगा। हाँ बस अब एक बार थोड़ा सा पानी डाल के मैं एक एक बॉइल कर दूँ। बस थोड़ा सा मैंने पानी डाला, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ड्रेन वैसे भी करूंगी इस पानी को। तो एक उबाल मार लेते हैं। ये रख लिया भैया स्प्राउट्स। इसमें हल्की सी हल्दी डाल, हल्दी और सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे इसके अंदर। हाँ। ये रहा हमारा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी। तुम्हें दिख रहा है क्या? तुम यहाँ अकेले हो गए क्या? क्या ये देखो थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट। अभी मैं तुम्हारी चेयर लगवाता हूँ। ये रहा हमारा सॉल्ट, थोड़ा सा सूदर। सूदड़ का क्या करोगे? सूदड़ ये बन गया सूदड़। अनियन डालेंगे अभी थोड़ी देर में। सूदड़ तमो क्या? तमो तमो क्या? तमो तो होता। ये मिर्ची आ गई। मिर्ची मिर्ची खा के दिखाओ मेरा मंकी। मिर्ची खा के दिखाओ। ये देना मिर्ची। मिर्ची लो, मिर्ची खा के दिखाओ मंकी। लो खा लो, खाओ मंकी। स्प्राउट्स उबालने जरूरी हैं एक बार बस, ठीक है? इससे इसमें जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे सब कुछ हट जाएंगे और हल्के से अंदर तक पक जाएंगे, ठीक है? डाइजेस्ट इजीली हो जाएंगे। ये देखिए भाई लोगों, अब इसमें उबाल आ रहा है हल्का सा और कलर भी इसका चेंज हो गया, जैसे कि हमने इसमें हल्दी डाली और नमक। लेमन उबे भाई सब लेमन भी डलेगा क्या इसमें? ठीक है फिर तो वो डालो, ये भी डालो। मैंने ये भी डाल लो, ये भी अच्छा लगता है। चलो लो भाई ये हो गया, मैं इसको बंद कर देते हैं। अभी नहीं डालना बेटी, ये इधर रख दिया हमने। अब इसमें छुकाई चलेगी। इंडिया का ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। ये तुम खाते हो क्या? फिनिश कर दे तो सारा। इससे बहुत ताकत आती है ना। हाँ बॉडी दिखाओ जल्दी से। क्या बॉडी दिखाओ? बॉडी अभी तो इसमें नहीं, अभी तो पहले तो वो भी बनेगा। जाओ चाचू के साथ एक छोटा सा एक ऑलिव ऑयल लेके आओ। चलो चलो हर्षिल लेके आ गया भाई ऑलिव ऑयल। तो चलो मैं इसमें डालती हूँ। है बेटा अभी नहीं बेटी, जब मैं बोलूंगी ना अलग से डालना है उसे, लेमन को अलग से डालना है, ठीक है? ऑलिव ऑयल को मैं ज्यादा पकाती नहीं हूँ क्योंकि ठीक है वो बेकार हो जाता है, तो बेटर ऑप्शन है। मैं अब इसमें अनियन डाल देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी पैन गर्म हो चुका था, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। जो मैंने अनियन और हरी ग्रीन चिली कट करके हरी मिर्च कट करके रखी है इसको मैं डाल देती हूँ। खुशबू आ रही है। ये खा रहे हमारे गुंडिया जी हैं। गुंडिया जी, गुंडिया जी के लिए इधर सफा कर देता हूँ। गुंडिया जी इधर बैठ जाएंगे। गुंडिया जी इधर बैठो। इसमें मैं स्प्राउट्स डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है पहले, उसके बाद जो भी सॉल्ट या डालना है वो मैं डालूंगी। ये है ब्लैक सॉल्ट।
और ये है मैंगो पाउडर, डाल दिया वो तो उन्होंने, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स, मैंने ब्लैक सॉल्ट और दो चीज़ें डाली हैं, मैंगो पाउडर और ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा नॉर्मल वाइट सॉल्ट भी डाल देंगे, थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करना। स्प्राउट्स वाले गर्मा गर्म, स्प्राउट गर्मा गर्म, स्प्राउट वाले लिटिल बिट, कुछ पिंच मैं ही डालूंगी चिली पाउडर, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही डाला मैंने। स्प्राउट की सब्जी बन गई है, बस बन गई, थोड़ा सही सा लगता है, सब्जी क्या बन गई, बस बन गई। अब इसमें लेमन डाल देंगे लास्ट में, जो हर्षल लेके बैठा हुआ है, मैं डालूंगा लेमन। तुम कैसे डालोगे? मैं भी बाउल में कर दूंगी ना, ये डाल देगा। तो बस तैयार हो गया ऑलमोस्ट हमारी, ये 5 मिनट के अंदर रेडी हो चुके हैं। अभी डालवा रही हूँ बेटी, क्या हो गया जाने तमन्ना, क्या हो गया तुम तो जिगर के टुकड़े, जिगर के छल्ले, क्या हो गया तुमको? कुछ तो हुआ है, शकल दिखाओ, कुछ तो हुआ है। ये क्या, ये क्या, ये इसमें तो है, इसमें तो है। ये देखो नी बुले के बैठा वहाँ पर, हंस के दिखाना, ये क्या होता है, बहुत बिगड़ रहा है दो भाई, सब चुहियां आ गई, चुहियां प्यारी, चुहा इसके अंदर आ रही है, चुहा आ गया, तुम्हारे जैसा छोटा सा निकाल दो बाउल में। हाँ लेमन, चलो मैं इसमें निकलवा देती हूँ, हर्षल आप इसमें निकाल दो, मैं उसमें डाल दूँ, अरे उसे गर्म लगी है इसलिए तभी डाल, रुक जाओ बेटी रुक जाओ, मैं बता दूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो इसको ऐसे करते हैं, इसके अंदर नींबू रखते हैं, अब प्रेस करो इसको, दबाओ, उंगली मत दबा लेना अपनी, ऐसे करो, हाँ दबाओ। वाह ओ बेटे की जान, नीचे को वो रहता उसका, हाँ हाँ अभी बहुत ताकत चाहिए, तुम तो दूध तो तुम पीते नहीं हो, दोनों डालो, पकड़ लो हाथ, पकड़ लो मेरा, ये देखो हो गया काम, 35 लेमन का। अब मैं क्या करूंगा, अब तो जब बन गया, हाँ अब खाएंगे, ठीक है, या गुंडिया, ये हो गए हैं रेडी स्प्राउट्स, इनको मिक्सअप किया जा रहा है लेमन के साथ, रेडी हो चुके हैं, लो भाई भाई साहब हमारे गुंडिया का नाश्ता आ चुका है, ब्रेकफास्ट, सोले क्या होता है, सारा खाना होता है, फिर देख लेना, फिर बहुत पित्ती होगी, खाओ जल्दी, कैसे पित्ती क्या होता है, ये होता है पित्ती, ये पित्ती होता है, ये पित्ती होता है, ये ऐसे तरह दूधी दूधी कर दूंगा फिर, चलो खा के दिखाओ, वो भाई साहब ये खा रहा है, देख लो फिनिश कर देगा अब सारा का सारा, और ये मेरे स्प्राउट्स आ गए भैया, बढ़िया बढ़िया, टेस्ट टेस्ट, ये दस्तरखान है, क्या नाम है इसका, तत्तान है, वाओ बैठे, ये हमारी चाय भी आ चुकी है, चलिए खाते हैं, पकड़िए, लो आप भी लीजिए, देखो कितने अच्छे अंकुरित हो गए है ना, अच्छा लग रहा है, कैमरा दो, बोलो तो सर, बोलो, बस,
खाना आ चुका है और चाय भी आ गई है। और चाय भी आ रही, देखो चाचू खा रहे हैं। चाचू खा रहे हैं और हर्षिल बाहर गया है। मैं यहीं हूं। तू यहां कहां है? पूरा कैमरा इसने गंदा कर दिया अपने हाथ से। भाई साहब देख लो क्या हो गया तुम्हें। ये इन्हें फिनिश कर दिए गाइस, इसने फिनिश कर चुका है ये। और कुछ देखो, ये लास्ट है, अब इसका लास्ट है। देखो 1 2 अभी है, अभी है। चलो फिनिश कर लो जल्दी से। बॉडी तो दिखा दो गाइस को, तो बता दो क्या खाया है तुमने। स्प्राउट्स खा के इसकी बॉडी बन के दिखाओ। बोलो आप भी खाया करो, बताया नहीं अभी, तुम तो कह रहे थे दिखाओ जल्दी से। ऐसे करो, ऐसे बाइसेप्स, ये बाइसेप्स देखो भाई, हर्षिल छोनी के बाइसेप्स क्या हो गए। तुम खा रहे हो तो तुम्हारी भी बॉडी बन जाएगी। अरे क्या बात है, देखो भाई साहब ये लास्ट है। अब ये देखो मेरे बाप ने फिनिश कर दिया। ऐसे कर दो, अब मैंने फिनिश कर दे, फिनिश कर देता। आप लोग भी खाओ, स्प्राउट्स बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, है ना। हेल्दी होते बॉडी बन जाती है। अब कहाँ जा रहे हो? अब बाय बाय तो कर दो। बाय बाय बाय, बातें करेंगे, अच्छा दिए करो। चलो बाय बाय।